अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे एक अहम बात आपको बतानी है, और बात यह है कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ रहा है, और जाने की वजह यह है कि लगातार छापे मारे जा रहे हैं, मेरी इर्द गिर्द सर्वेलेंस की जा रही है, मेरे मुख्तलिफ जो रिश्तेदार हैं उनका पीछा किया जा रहा है, मेरी टीम के मेम्बर्स का पीछा किया जा रहा है, और हमें परेशान किया जा रहा है। मुख्तलिफ सोर्सेज से मुझे इतलात भी मिली हैं कि कुछ रेड करने के लिए मज़ीद टीमें तैयार की गई हैं और मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले मुझे धमकाया भी गया था इस सूरत हाल के हवाले से, लेकिन मैं अपना काम करता रहा, आइंदा भी करता रहूँगा, लेकिन अब पाकिस्तान में बोलने की गुंजाइश ख़त्म कर दी गई है और मेरा काम जो है वो बोलने का। शहीद अरशद शरीफ ने भी इसलिए पाकिस्तान छोड़ा था कि उन्हें यह पता चल गया था कि ज़मीन तंग कर दी गई है और बोलने नहीं दिया जा रहा। मुझे भी बदकिस्मती से इसीलिए पाकिस्तान से जाना पड़ रहा है कि यहाँ पर बोलने नहीं दिया जा रहा और सरजमीन तंग कर दी गई है। मैं सिर्फ अपने बोलने के राइट के लिए जा रहा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, और अब सब मेरे जानने वाले हैं, मेरे अपने, अब सबको पता है कि गिरफ्तारी से मुझे घबराहट नहीं होती, ना मैं परेशान होता हूँ और ना इससे मैं टूटता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की हैं, मैं और भी कर सकता था, लेकिन ये वक्त है बोलने का। आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। अब मेरा काम है एनालिसिस करना, इन्फॉर्मेशन देना, चाहे किसी को पसंद आए चाहे ना आए। अपने इस राइट के लिए मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ रहा है, और मेरी पूरी फैमिली ने, दोस्तों ने, मेरी टीम ने, सब ने मुझे मशवरा दिया है कि अभी आप मूव करें, और जैसे ही कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट खुलता है, चीज़ें बेहतर होती हैं, तो फिर पाकिस्तान वापस आ जाएं। मैं इससे पहले पाकिस्तान से कई मरतबा बाहर गया हूँ रिजीम चेंज के दौरान, और वापस आया हूँ, मैं फिर वापस आऊँगा। और ये सिर्फ ऐसी सिचुएशन है जिसमें मुझे लगता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन का ये फ़्लो रोकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये ट्रैवल कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।